इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। आप देख सकते हैं कि आज से ब्लू लाइन और पिंक लाइन की शुरुआत हो गई। इस वक्त हम ब्लू लाइन पे मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि द्वारका जाने वाली मेट्रो पहुंच चुकी है। ये मेट्रो द्वारका जाएगी तो ठीक 171 दिनों बाद ब्लू लाइन की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि ये मेट्रो आ चुकी है, ये मेट्रो अब द्वारका जाएगी। तो देखिए कितने दिनों बाद कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, और 171 दिनों बाद अब ब्लू लाइन को शुरू किया गया है। इससे दो दिन पहले येलो लाइन चल रही थी। अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि मेट्रो जो है वो खाली पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो बैठने की जो सुविधा बनाई गई है उसमें सामाजिक दूरी को ध्यान में रखा गया है, मास्क अनिवार्य है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में ही लोगों को यहाँ बैठने की जो इजाज़त है वो दी जाएगी। और साथ में देख सकते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वो समय समय पर मेट्रो को सैनिटाइज कर रहे हैं। जिस भी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रुकेगी उसे सैनिटाइज किया जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से सीट्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, और लोगों को अगर लोग बिना मास्क के हैं तो उन्हें इजाज़त नहीं दिया जाएगा। मास्क बिना लगाए कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पे। आज से ब्लू लाइन की शुरुआत कर दी गई है। ब्लू लाइन आपको बता दें नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सहित वैशाली से चलकर द्वारका 21 तक का सफ़र तय करती है। जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं सबसे पहले उनका जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें मेट्रो में जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि मेट्रो में किस तरह की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कम सामान ले जाने की बात मेट्रो द्वारा की गई है। फिलहाल हमने तस्वीरें दिखाई जो मेट्रो स्टेशन पर सख्त मेट्रो रुकी है, और इस बार 10 सेकंड ज़्यादा मेट्रो किसी भी मेट्रो स्टेशन पर रुकेगी। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। आज से शुरुआत हो चुकी है मेट्रो की। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी, और शाम की बात कर ले तो शाम को 4 बजे से लेकर आपको बता दें कि 8 बजे तक मेट्रो चला जाए। इस वक्त हम देख सकते हैं मेट्रो खाली पड़ी है, सवारी बहुत ही कम है। कुछ सवारी हम देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इतने दिनों बाद मेट्रो की जो शुरुआत हो रही है। मैम आप आज ब्लू लाइन पे सफ़र कर रही हैं, बहुत लंबा हो चुका है 171 दिन, किस तरह से आप? मैम बहुत एक्साइटमेंट है ऑफिस जाने की, मतलब मेट्रो से बहुत दिन बाद ट्रैवल किया है, वेट कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मतलब डिसीजन है मेट्रो, लंबा वक्त हो गया। साथ में ट्रांसपोर्टेशन की जो सिस्टम है, बाहर ऑटो ओला मौजूद है, उसमें किराया भी ज़्यादा लगता है और लंबा टाइम लग जाता है। मैम बहुत ही अच्छा किया मेट्रो ऑन हो गए, हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, कन्वेंस प्रॉब्लम, हर एक चीज़ को फेस करना पड़ता था, तो मेट्रो अभी सही डिसीजन है। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर मेट्रो की आज शुरुआत ब्लू लाइन की हो गई है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं द्वारका सेक्टर 10। कितना बड़ा मतलब जिस तरह से 171 दिन हो चुके हैं, 5 महीने बीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। 4 बस बदल के जाता हूँ, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा, टाइमिंग बहुत ख़राब है। सवेरे 6:30 बजे निकलता हूँ, ऑफिस में 9:30-10 के करीब पहुँचता हूँ मैं। अब इस वक्त लग जाता था, कितना आराम हो जाएगा? इससे बहुत आराम होगा, मुझे बहुत ज़्यादा आराम होगा, परेशानियों बहुत ज़्यादा। आनंद विहार में बसों की बड़ी प्रॉब्लम है, 20 ज़्यादा लेते नहीं हैं, कब दौड़ लगानी पड़ती है, वेट करना पड़ता है, एक घंटा 1.5 घंटा 3 स्टॉप पे इंतज़ार करना पड़ता है। शुक्रिया ये चल गई मेट्रो, तो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेट्रो की शुरुआत हो रही है। लोग काफ़ी मतलब लोगों को रिलीफ है कि लंबा सफ़र अब तय कर सकते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ एग्जाम दिलवाने के लिए, मैं जाऊँगा मुंडका जाऊँगा मैं। अच्छा, मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है, कितना आराम है आपके लिए? वेरी गुड, बढ़िया है, बढ़िया है, बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है। काफ़ी दिन हो गए थे 171 दिन, और ऐसे समय में जी प्रिकॉशन के साथ मेट्रो को शुरू किया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी सुविधा? बहुत बड़ी सुविधा है मैम, बहुत बड़ी सुविधा है जी। तो हमने लोगों से बात की, उनकी यही प्रतिक्रिया है कि लोगों को बहुत आराम मिल गया क्योंकि लंबे वक्त से जो मेट्रो थी वो बंद पड़ी हुई थी, 171 दिनों बाद आज पिंक लाइन और ब्लू लाइन की शुरुआत की जा रही है। इससे लोगों को काफ़ी आराम है क्योंकि लंबा सफ़र तय करने के लिए मेट्रो काफ़ी सुविधाजनक मानी जाती है, और ऐसे में लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ भावना किशोर, TV9 भारत, पश्चिम दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।